हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको स्केल अप के साथ पत्तियां और गोले बनाना सिखाएंगे, जिसे मटर माला कहते हैं। तो आपको बताते हैं किस तरीके से होती है चीजें, दोनों किस तरीके से डिजाइन बनता है। मैंने आपको स्केल अप तो बना के दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, जिसने ही देखी वो जाके देख सकते हैं स्केल अप। अब मैं स्केल अप के साथ एक बेसिक लेवल, एक लेवल ऊंचा बनाने वाला हूँ, जिस तरीके से आप डिजाइन को बना सकते हैं। आप इसको ड्रॉइंग करके छाप के भी बना सकते हैं। तो अब इस तरीके से आप पहले तो जो मटर वाला बना के दिखाई थी मैंने, उसको बना लें यहाँ पर तीन। और आप दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, मैंने एक कलर लगा दिया है। अब एक जोरा जरा सा लगा के दिखाया, तो दो तरीके से ही बना सकते हैं। अब मैं आप एक तरीके एक ही सिंगल कलर से बना के दिखाऊंगा आपको। तो आपको सिंगल पेन लेना है इस तरीके से, जिससे आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से डिजाइन बनेगा अपना। तो सिंगल खींच ले या आप ड्राइंग कर ले, बिल्कुल आपको आता नहीं है तो ड्राइंग कर लें। और आपको थोड़ा बहुत मशीन का आइडिया है चलाने का, तो आप उसको इस तरीके से ही बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप तीन गोले बनाएंगे, वही जैसे मैंने दूसरे कलर से बनाए थे। आप इसी कलर से ही बना सकते हैं और दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, जिसे मैंने आपको एक गोले में लगा के दिखाया। ये देखिए, और आपका ऐसा धागा तोड़े मशीन, तो आप इसको सुई को एक बार चेक कर ले, सुई टेढ़ी है या सीधी है उसका भी ध्यान रखेंगे आप, तो आपकी मशीन भी धागे नहीं तोड़ेगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखते हुए बनाएंगे तो डिजाइन आपके खराब नहीं बनेंगे। जैसे कि ये अभी धागा आ चुका है, क्योंकि इस तरीके से आप धागा तोड़ती है मशीन तो आपके फिनिशिंग के अंदर खराबी आती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ऐसे आप मटर माला बना सकते हैं, तो ये एक डिज़ाइन हो जाता है। आप मटर माला दूसरे कलर की और स्केल अप दूसरे कलर के बना सकते हैं। ये दो कलर रेशम से बना सकते हैं आप इस डिज़ाइन को। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इस धागे से। अब मैं आपको दूसरा धागा लगा के दिखाऊंगा, जिसका आपको आइडिया हो जाए कि अलग अलग धागे से किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने एक रेशम से ये बनाया, अब दूसरा डिजाइन बनाऊंगा इसी तरीके का डिजाइन रहेगा वो। और इसके ऊपर आपको गोले मिले हैं, उसके ऊपर आपको पत्ती टाइप बना के दिखाऊंगा। तो पहले उसी तरह से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से रफ एक आइडिया के लिए स्केल अप बना लें। और मेरी पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं आप स्केल अप के, जिसको बनाना नहीं आते। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह की पत्तियां बना सकते हैं। ये लिए न्यू, फिर ऊपर से, फिर आपको फ्रेम इधर की तरफ लेना पड़ेगा एक बार ये भर के, फिर आप इधर से बना सकते, फिर आप इसको न्यू ले सकते हैं। और आपको फ्रेम नहीं घुमाना तो आप बना सकते हैं ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके, मगर डिज़ाइन सही नहीं आता तो आपको पूरा प्रॉपर हाथ घुमाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से आपको एक पत्ती बनानी है, इधर से दूसरी हो गई, फिर फ्रेम को ऊपर के साइड लिया न्यू करके और एक गोल वाली पत्ती बना दी। ये पत्ती आने वाली वीडियो में आपको बना के दिखाने वाला हूँ मैं, ये गोल वाली पत्ती और ये नोक वाली पत्ती कैसे बनती है। अभी स्केल अप के साथ बना के दिखा रहा हूँ, तो चैनल से जुड़े रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिखाने के लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ एवरी डे की। ये बन गया बेसिक तरीके का एक डिज़ाइन। अब आप इसके स्केल अप बना सकते हैं, जिसे कंगूरे कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिंपल बना के दिखाया सिर्फ, अब इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बना के दिखा। इस तरीके से आप
स्केल अप बना सकते हैं चुन्नी के अंदर, साड़ी के अंदर, जिस डिज़ाइन में आपको काम में लेना है, सूट में, स्लीव में, इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए इतना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, और हर रेशम में बना सकते हैं आप, अलग अलग कलर के रेशम में बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप स्केल अप को इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मैंने दो तरीके से बता दिया आपको, और आने वाली वीडियो में मैंने जैसे बताया आपको बोल पत्ती और लंबी पत्ती बनाना सिखाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा।